हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कि रेविट आर्किटेक्चर के अंदर जो ट्विन स्टेयर्स आपकी बनती हैं उनके रेल्स को कैसे कनेक्ट किया जाता है, उसकी लैंडिंग को कैसे कनेक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ट्विन स्टेयर बनाने की ट्राई करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्टेयर पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे रन में मेरे पास 18 डिजायर्ड नंबर ऑफ राइजर्स। अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ और मैं यहाँ पे 9 बना लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, 9 स्टेयर क्रिएटेड। और इसको मैं क्या करता हूँ, यहां से एक 45 डिग्री पे, कितनी भी डिग्री पे आप इसे रोटेट कर सकते हो। तो इस साइड में एक 45 डिग्री पे एक स्टेयर को बना देता हूँ। अब यहाँ पे तो बन गई मेरी एक सिंगल स्टेयर। अगर मेरे को ट्विन स्टेयर बनानी है तो मैं क्या करूंगा, मैं इन राइजर्स को सिलेक्ट करूंगा और मिरर कर देता हूँ पिक एक्सिस के थ्रू और इस एक्सिस को सिलेक्ट करके। तो आप देखेंगे ये वाला लैंडिंग इस साइड, आपका जो ये वाली राइजर्स है वो इस साइड आ गई। अब आपके यहाँ पे देखेंगे एक ही बार में आपने स्टेयर बनाई है तो ये इसी स्टेयर का पार्ट है। अगर आप फिनिश करते हैं तो आप देखोगे ये एक एरर शो करेगा और ये कनेक्शन यहाँ पे नहीं हुआ है। तो हमें इस चीज को कनेक्ट करना है, तो मैं अंडू करता हूँ। तो बेसिकली मुझे इस पार्ट को कनेक्ट करना है ताकि जो आपकी स्टेयर हो यहाँ पे वो इस कनेक्शन को सेट करके यहाँ से बन पाए। तो उसके लिए करना सिर्फ इतना है कि आप इस लैंडिंग को सिलेक्ट करें। बेसिकली मैं इस लैंडिंग को एडिट करने वाला हूँ, इस पे क्लिक किया और आप इसे कर दे कन्वर्ट टू स्केच बेस्ड। फिर आप क्लिक करें एडिट स्केच पे। जैसे ही एडिट स्केच पे करेंगे तो मेरे को जो लैंडिंग बनानी है, मेरे को यहां से कुछ इस तरीके से लैंडिंग बनानी है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, बाउंड्री सिलेक्ट करता हूँ और पिक लाइन पे क्लिक करता हूँ। तो मैं ये इनर वाली लाइन सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद ये वाली लाइन सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं सिलेक्ट करता हूँ ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर और मैं इसको इससे कनेक्ट कर देता हूँ। अब ये मेरी एक शेप बन गई, ठीक है। उसके बाद मैं एक लाइन लेता हूँ, इसको भी सिलेक्ट करता हूँ और फिर मैं इसको इससे कनेक्ट करता हूँ। तो मेरी बेसिकली ये बाउंड्री बन गई। आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो इस पे क्लिक करके मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये बाउंड्री बन रही है और ये मेरे को नहीं चाहिए तो इस पे क्लिक करके ये करता हूँ। तो बेसिकली अब आप देख पा रहे हो तो मेरे पास ये बाउंड्री क्रिएट हो गई है जो मेरा लैंडिंग बनेगी अभी। अब मैं अगर फिनिश करूंगा तो मैं देखूंगा यहाँ पे कि आपकी एक बाउंड्री यहाँ पे क्लियर हो गई है और आप इस तरीके से अपनी बाउंड्री को देख सकते हैं। तो ये आपकी लैंडिंग बन गई। अब आप यहां से फिनिश करो। फिनिश करने के बाद देखो कोई वार्निंग आपके पास नहीं आई और आपकी स्टेयर इस तरीके से बन गई। अब स्टेयर बनने के बाद जैसे ये रेलिंग्स है, आप अगर ये कनेक्शन सही नहीं आए रेलिंग्स के तो आप इन्हें डिलीट करके दोबारा भी बना सकते हो। अगर आ जाए तो कोई बात नहीं, अच्छा है। आप अगर ये स्ट्रिंगर हटाना चाहते हैं तो आप एडिट में जाके इसको स्ट्रिंगर को आप ओपन भी कर सकते हैं या फिर आप इस पे क्लिक करके आप इसे मोनोलिथिक स्टेयर बना सकते हो और आप उसको इस तरीके से भी यूज कर सकते हो। और रेलिंग लगाने के लिए आप बाद में क्लिक करें प्लेस ऑन स्टेयर और रैंप पे, जो रेलिंग है आप क्लिक करें तो आपकी रेलिंग इस तरीके से यहाँ पे लग जाएगी। अब ये आपके ऊपर आप इसको किस तरीके से यूज करते हैं और किस तरीके से आप इसकी बाउंड्री को क्रिएट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे अच्छे से आपको दिखाऊं तो ये बिल्कुल अच्छे से कनेक्ट हो गया और आपकी इस तरीके की स्टेयर यहाँ पे बन के रेडी हो गई है। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगे। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।